राज्य में सीपीयू और विवादों का शुरुआत से ही चोली दामन का साथ रहा है और इसी को लेकर पुलिस मुख्यालय भी अब सख्त दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों रुद्रपुर में सीपीयू कर्मी द्वारा एक व्यक्ति की आंख के ऊपर चाबी घोप दी गई थी, जिसके बाद सीपीयू को लेकर सोशल मीडिया पर खासा बवाल भी हुआ। मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अब पुलिस मुख्यालय ने सीपीयू की फिर से ट्रेनिंग कराने के साथ ही 3 साल से ज्यादा समय से सीपीयू में तैनात कर्मचारी को हटाए जाने को लेकर भी तैयारी तेज कर दी है। दरअसल आए दिन सीपीयू के कारण होने वाले विवाद से पुलिस की छवि भी धूमिल हो रही है, जिससे पुलिस मुख्यालय भी खासा खफा दिखाई दे रहा है। डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि सीपीयू को ट्रेनिंग दिए जाने के साथ ही आचरण में सुधार को लेकर भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिससे पुलिस की छवि धूमिल ना हो। देखिए, सीपीयू में नॉर्मली हम एक आदमी को 3 साल के लिए लेते हैं और फिर दूसरी बार अगर उसका आचरण अच्छा रहा तो 2 साल और एक्सटेंड करते हैं। तो अब इनका टाइम आ गया है, हमने हमारी फाइल पहले से हमारी चल रही है, तो जिन जिन का भी समय पूरा हो गया है उसको रोटेट करेंगे और दोबारा से प्रशिक्षित करेंगे और इनका व्यवहारिक आचरण कुछ कोटि का हो उसके लिए भी विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।